सो हेलो दोस्तों, आज के ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग आज के इस वीडियो में गर्भ निरोधक दवाइयों के बारे में जानने वाले हैं कि कौन सी दवाई कब फीमेल को खिलाई जाती है जिससे उसकी प्रेगनेंसी रुक जाए, और इन दवाओं को कितने डोज में खानी होती है और कब कब खानी होती है। तो चलिए आज इसे अच्छे से समझेंगे। देखो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ स्टडी के नाते आपको जानकारी देने के लिए बनाई गई है, इसलिए इस वीडियो में बताए गए दवाओं का यूज आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही करें। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले गर्भ निरोधक दवाई जो आती है जिससे आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है उसके बारे में। तो वो दवा है एमटीपी किट, जो इस तरह के बॉक्सेस में आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाती है। इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन मिलते हैं जो है मेफिप्रिस्टोन एंड मिसोप्रिस्टोल। ये दोनों ही हार्मोनल टैबलेट है। मेफिप्रिस्टोन फीमेल की बॉडी में प्रोगेस्टेरोन नामक हार्मोन को ब्लॉक करने का काम करती है, और यही प्रोगेस्टेरोन प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए जरूरी होता है। और जब ये दोनों कॉम्पोजिशन महिला यूज करती है, खाती है, तो महिला की प्रेगनेंसी रुक जाती है। वैसे आपको पता होनी चाहिए कि 5 महीने यानी 20 हफ्तों तक अवर्शन करना कानूनी तौर पर अलाव है। इसका इस्तेमाल दोस्तों अवर्शन के लिए ही किया जाता है। मान लीजिए 2 मंथ की प्रेगनेंसी हुई है और किसी कारण से आपको ये प्रेगनेंसी अवॉइड करना पड़ जाती है, उस कंडीशन में इस एमटीपी किट का यूज किया जाता है। अनवांटेड प्रेगनेंसी में भी यूज किया जाता है, यानी कि कोई फीमेल अगर बच्चा नहीं चाहती है लेकिन कॉन्डोम डैमेज होने के कारण या किसी और कारण की वजह से प्रेग्नेंट हो जाए, तो उस कंडीशन में भी आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज जान लेते हैं कि इस एमटीपी किट को कब कब खानी होती है। तो दोस्तों, इसमें 5 टैबलेट आती है, जैसे कि आप इस इमेज को देखकर समझ सकते हैं। 5 टैबलेट में जो सबसे बड़ी वाली टैबलेट है वो है मेफिप्रिस्टोन। इस टैबलेट को आपको खाना खाने के बाद ओरल ही डायरेक्ट पानी के साथ खानी होती है। जैसे अन्य दवाई खाई जाती है, वैसे ही इस बड़ी वाली टैबलेट को आपको दोपहर या रात को खाना खाने के बाद ही खानी होती है। अब इस टैबलेट को खाने के बाद दोस्तों 12 घंटे के बाद ये जो सेकंड वाली टैबलेट है उसे लेनी होती है, लेकिन दोस्तों इसको डायरेक्ट यानी कि पानी के साथ लेनी होती है। इसको चाहे आप अपने जीभ के नीचे रख सकते हैं या फिर आप अपने वजाइना के अंदर रख सकते हैं। और ये चारों डिसॉल्विंग टैबलेट भी होती है, यानी कि जब आप इस टैबलेट को अपने जीभ के नीचे रखते हैं तो ये आसानी से पिघल जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि इस बड़ी वाली टैबलेट जो मेफिप्रिस्टोन होती है वो खाने के 12 घंटे बीत जाने के बाद आपको ये मिसोप्रिस्टोल टैबलेट जीभ या वजाइना के अंदर रखनी होती है। और इस सेकंड वाली टैबलेट को खाने के बाद दोस्तों 1 घंटे बाद ये थर्ड वाली टैबलेट वैसे ही लेनी होती है, इसको भी जीभ के नीचे या वजाइना के अंदर रखनी होती है। और जब सेकंड और थर्ड गोली खाने के बाद जब 24 घंटे बीत जाए, तब 24 घंटे बाद आपको ये चौथी गोली लेनी है, इसको भी आपको जीभ के नीचे या फिर वजाइना के अंदर रखनी होती है। ये चौथी गोली खाने के 1 घंटे बाद आपको ये 5वीं गोली लेनी है। उम्मीद है दोस्तों आप इसको लेने का डोज समझ गए होंगे। और हाँ, अगर ये सेकंड वाली और थर्ड गोली लेने के बाद ब्लीडिंग होने लगे या मेंस खुल जाए तो ये चौथी और 5वीं गोली लेने की जरूरत नहीं है, आप टैबलेट लेना स्टॉप कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप इतना तो समझ ही गए होंगे। अब इससे ज्यादा समझाने जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहां तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जल्द से जल्द कमेंट्स कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों, जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो है अनवांटेड किट। इसमें भी 2 ड्रग्स का कॉम्पोजिशन होता है, पहला मेफिप्रिस्टोन, दूसरा है मिसोप्रिस्टोल। ये दोनों सेम कॉम्पोजिशन है जो पहले वाले किट में आपको बताया था। तो अब इसकी यूज के बारे में अगर बात करें तो ये अवर्शन और अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए किया जाता है। तो कुछ इस तरह की किट होती है जो आपको मार्केट में अनवांटेड किट के नाम से आसानी से मिल जाती है। तो अब इस टैबलेट को कैसे खानी है तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वाले किट में बताया था, वैसे ही आपको दोपहर या फिर आपको रात का खाना खाने के बाद इस बड़ी वाली टैबलेट को खानी होती है, और बाकी का सेम प्रोसेस है जो पिछले वाले किट में बताया था। वैसे ही आपको इन सारी टैबलेट को टाइमली खानी होती है। यहाँ पर आप ये डायग्राम देखकर समझ सकते हैं कि बड़ी वाली टैबलेट को ओरल ही खानी होती है और बाकी का 4 टैबलेट को जीभ या वजाइना के थ्रू लेनी होती है। तो अब जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो है एमपिल, जिसका कॉम्पोजिशन लेवेनोग्रास्ट्रॉल होता है, जिसका यूज दोस्तों अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाने के बाद इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। यानी कि जब मेल और फीमेल दोनों ही बिना किसी प्रोटेक्शन के संबंध बना लेते हैं और स्पर्म अंदर चला जाता है, तो उस कंडीशन में एमपिल मेडिसिन का यूज किया जाता है, वो भी 72 घंटे के अंदर ही यूज करना होता है। इस टैबलेट का इफेक्ट तभी सही देखने को मिलता है जब 72 घंटे होने से पहले यूज किया जाता है, वरना 72 घंटे के बाद इसका इफेक्ट काफी कम हो जाता है। तो अब ये जान लेते हैं कि इसको लेना कैसे है। तो इसका जो टैबलेट है आपको तब लेनी होती है जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाए तब, और जब आपको लगे कि हाँ स्पर्म वजाइना के अंदर चला गया है और प्रेग्नेंट होने के चांस हो सकता है, तब आप
आपको ये टैबलेट खानी होती है। और हाँ दोस्तों, आपको इसका कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, थकावट महसूस होना, स्टमक पेन, सर दर्द, ये सब कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है, इसलिए उतना ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप इतना तो समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट जो टैबलेट आती है दोस्तों वो है अनवांटेड 72। ये भी इस तरह के बॉक्स में आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। इसका जो कॉम्पोजिशन है वो है लिवेनोगेस्ट्रॉल। इसका भी यूज दोस्तों अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाने के बाद ही करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एम पिल में बताया था। ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ लास्ट तक देख लिया यार, तो यार दिल से सैल्यूट है। और यहाँ तक देखे हो तो यार सब्सक्राइब तो डेफिनेटली बनता है, लाइक बनता है, कमेंट्स बनता है। देखो यही चीज तो यार YouTube एल्गोरिथम पिकअप करती है, जिससे मेरी वीडियोस और लोगों के पास रिकमेंड करती है। एंड ऑब्वियसली वहीं से सब्सक्राइबर्स भी आएंगे, मुझे एंकरेजमेंट मिलेगी, मैं वीडियो और अच्छे से बनाऊं और नॉलेजेबल वीडियो बनाऊं। तो यार इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जानकार बने, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें।